मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज साई सर विद योर इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? ओके, आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आवर सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री इज गोइंग ऑन एंड इन दिस बुक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर फाइव चैप्टर। वी हैव कंप्लीट आवर five chapters and last class I have sent you some questions which you can write down in your fair book. I hope ki you can do that. So today we have start our next chapter, chapter number 6, and the chapter name of the Ghat of the Only World. Amitav Ghosh ne isko likha hai aur ye ek ab main padha raha hu use mere hi naam rashi ke upar inhone इसको लिखा है शाहिद अली के नाम से। शाहिद अली कश्मीर का था और एक बहुत बड़ा राइटर हुआ था। तो उसके वो अमिताव घोष उसका एक फ्रेंड था, उसने अमिताव घोष से कुछ कहा था, तो क्या उसने वो प्रोमिस पूरा किया, उसकी एक तरह से कह सकते हैं बायोग्राफी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है, देखिए बेटा, ए डाइंग मैन यानी एक मरणसन एन एक्सपैट्रिएट फ्रॉम कश्मीर आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन। वो कह रहा कि एक मरणसन कश्मीर से निर्वस्त व्यक्ति लेखक से उसकी मृत्यु के पश्चात उसके विषय में कुछ लिखने के लिए कहता है। द फॉलोइंग पीस इज वट अमिताव घोष रोड टू कीप हिज प्रोमिस, और अपना वचन निभाने के लिए अमिताव घोष ने ये सब लिखा। तो देखिए क्या कन्वर्सेशन है, उनकी क्या लिखा है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी, द फर्स्ट टाइम डेट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25 अप्रैल 2001। वो कह रहा कि 25 अप्रैल 2001 को का वो दिन था जब आगा शाहिद अली ने मुझे अपनी आने वाली यानी निकट मृत्यु के बारे में पहली बार बताया था। कहते थे कि बस अब मेरा अंत नजदीक है, आप मेरा ये काम कर देना। तो ऐसे कोई बातचीत हुई थी उनकी, किस ओकेजन पे हुई थी, वो ओकेजन क्या था, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप केयरफुली लिसन करेंगे। द कन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली, बातचीत साधारण रूप से उनकी होती रहती थी कंटिन्यू। I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick up. कि मैंने उससे कॉल किया था और उसको ये याद दिलाना था कि हम किसी दोस्त ने अपने लंच पार्टी पर हमें इनवाइट किया है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ और मैं तो घर से निकल चुका हूँ, आपको पिक करने के लिए मैं आपके अपार्टमेंट में आ रहा हूं। एल्दोट ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 मंथ्स, यद्यपि वो कैंसर बीमारी से पीड़ित था, वो उसके अंडर ट्रीटमेंट था लगभग 14 महीने से। साहिद वाज स्टिल ऑन हिज फिट, साहिद अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था, एंड परफेक्टली ल्यूसिड और पूर्ण रूप से सुबुद्ध था, ठीक था वो, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सिस ऑफ मेमोरीज, उन बातों को छोड़कर कि कई कई मौके पर वो अपनी मेमोरी याददाश्त खो देता था। आई हियर्ड हिम थम्पिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही शेड, मैंने उसे अपनी आबद्ध पुस्तिका के पन्ने उलटते हुए सुना और तब अचानक वो बोला, ओ डियर, हे प्रिय, आई कांट सी ए थिंग, मैं किसी वस्तु को देख नहीं पा रहा हूँ। There was a brief pause and then he added, I hope this doesn't mean that I am dying. वो थोड़ा रुका और बोला, और मुझे आशा करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर रहा हूँ। क्या कहा उसने साथ साथ, कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर रहा हूँ। एल थॉट साहिद एंड आई हैड टॉक्ड ए ग्रेट डील ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, वो कह रहा यद्यपि पिछले कई सप्तों से शाहिद और मैंने बहुत सारी बातें की थी, आई हैड नेवर बिफोर हियर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, मैंने पहले कभी उसे मृत्यु के विषय में चर्चा करते हुए नहीं सुना था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था हाउ टू रिस्पोंड
कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, जो बात मेरे से पूछ रहा है मैं उसका क्या जवाब दूं। हिज वॉइस वॉज कंप्लीटली एट ओड्स विद द कंटेंट ऑफ वट ही हैड जस्ट सेट, लाइट टू पॉइंट ऑफ जकलैरिटी। उसकी आवाज उस समय कहे गए कथनों से बिल्कुल भिन्न और हल्की सी हास्यपूर्ण थी। नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, मैंने कुछ कहा, हल्की सी बुदबुद आया, मैं एक लाइन भूल गया, आई मम्बल्ड समथिंग इनकॉन्शियस। नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, मैं कुछ बुदबुद आया और कहा, नहीं निसंदेह शाहिद ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे कोई कहता ना कि मेरा अंत नज़दीक है, हम कहते हैं अरे नहीं ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, यू विल बी राइट सून, यू रिकवरली वेरी रैपिडली, तो डोंट बी वेरी, ऐसा हम कहते हैं उनसे, तो ऐसा ही उसने कहा, यू विल बी फाइन, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम सही हो। ही कट मी शॉर्ट, उसने मुझे बीच में ही टोक दिया, इन ए टोन ऑफ वॉइस डेट वॉज एट वंस क्यूजिकल एंड डायरेक्ट, ही शैड, एकदम हास्यपूर्ण और स्पष्ट स्वर शैली में वो बोला, जब भी ऐसा हो जाए तो मुझे उम्मीद है, When it happen, जब ऐसा हो जाए, I hope, मुझे उम्मीद है, you will write something about me, तुम कुछ मेरे बारे में लिखोगे। I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the thing that people say on such occasion। मैं मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं कुछ चुप रहा इससे पहले कि कुछ चीज़ें कहने के योग्य हो पाता जो ऐसे अवसरों पर लोग आमतौर पर कहते हैं। The people say on such occasion, शायद you will be fine, कि शायद तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, you have to be strong, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। From the window of my study, I could see a corner of the building in which lived, क्या कह रहा है कि मैं अपने अध्ययन कक्षा की खिड़की में से कुछ 8 ब्लॉक की दूरी पर जो वो था, सम एट ब्लॉक अवे, हमसे जो 8 ब्लॉक की वो दूरी पर था, मैं उस भवन के किनारे को देख सकता था जिसमें वो रहता था। इट जस्ट ए फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव देयर, बस कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पर सेटल हुआ था। ही हैड बीन लिविंग ए फ्यू मील्स अवे इन मैनथाना, वो कुछ दिन पहले हमसे थोड़ी मील दूर रहता था मैनथाना में। When he had a sudden blackout in February 2000, और जब वो अचानक बेहोश, blackout यानी बेहोश हो गया था 2000 फरवरी 2000 में। After test revealed that he had a malignant brain tumor, he decided to move to Brooklyn to be close to his youngest sister Samantha, who teach at the pre-institute a few block away from the street where I live। क्या कहा कि जब उसने अपना वो एकदम बेसुध होकर गिरा था तो उसने अपना चेकअप कराया था, तो उसमें ये रिपोर्ट में आया था कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, यानी कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, ही डिसाइड टू मूव टू बी ब्रुकलिन, इसलिए वो ब्रुकलिन में रहने का उसने डिसाइड किया, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, उसकी एक जवान जो उससे बड़ी उसकी जो बहन थी समय था वो रहती थी, हु टीच एट द प्रीट इंस्टीट्यूट, जो प्रीट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, ए फ्यू ब्लॉक अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, उस गली से जहां हम रहते थे उससे कुछ ही दूरी पर वो रहती थी। तो बेटा आज आपका इंट्रोडक्शन था इस 6 चैप्टर का, मैंने आपको 3 पैसेज कराए इसमें, इससे आगे मैं कल रीड कराऊँगा, लगभग है ये भी लेंथी, कम से कम 4 पीरियड हमारा कंज्यूम करेगा ये, इस वीक तक शायद हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेबस आपका आराम से हो रहा है बेटा, बट ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार देख लिया करो, बाद में वीडियो को कई बार सुन लिया करो, बुक आपके सामने होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकते हो आप, और जो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करता हूँ प्लीज़ यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज आफ्टर द रीओपन योर स्कूल आई जस्ट टेक योर टेस्ट, आई एम नॉट वर्किंग अगेन टू द राइट पोर्शन, सो यू कैन राइट डाउन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।